guys, welcome back to my YouTube channel. आप देख रहे हैं वेंचर फार्म। सो गाइज, हमने देख के आप समझ गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हाँ गाइज, आज हम बात करेंगे लोटस हर्बल क्रीम की। लोटस हर्बल यूथर एग्स एंड के जी ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम है गाइज, देखिए। सो गाइज, ये एक रैपर में आता है, बॉक्स में आता है मीन्स, बट ये मैंने होगी बिल्कुल एक मंथ होने वाले होंगे तब बाई किया था। मेरी सिस्टर ने अपने लिए लिया था तो उन्हें ये सूट नहीं की, मैंने इसे यूज़ किया। तो गाइस, इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले मेरे को, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो इसका वो बॉक्स तो हो गया, जिसमें इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो कैसे यूज़ करने क्या लिखना है। तो गाइस, मैंने फिर भी इसकी सारी चीज़ें नॉलेज गेन की है, मतलब दी है एक। तो मैं बता दूँगा आपको इस क्रीम के बारे में। सो गाइस, इस क्रीम का नाम तो है लोटस हर्बल यूथर एक्स एंटी एजिंग ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम। सो गाइस, ये एस मैं लिख रहता है तो आपको पढ़ के बताऊँगी कि किसका रैपर खो गया है। सो गाइस, ये SPF 25 PA++ है। इस मस्त की आपको आप इसे अप्लाई करते हैं, वैसे ये डे क्रीम है, ये डे में अप्लाई की जाती है। और मैं नाइट को वीडियो शूट कर रही हूँ, 11:40 हो रहे हैं, तो डे में यूज़ करनी है क्रीम। और इसमें SPF 25 PA++ है, मीन्स ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वैसे लगाना चाहिए अगर आप, अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं लगाते तो कोई प्रॉब्लम होगी। फिर ये SPF 20 PA++ है। सो गाइस, बता दूँ मतलब इस क्रीम के जो बॉक्स था उस पर लिखा था ये विजिबल रिजल्ट देते हैं 7 डेज में, या एंटी एजिंग फाइन जितने भी चीज़ें होती हैं या एंटी एजिंग साइन होते हैं जिसको 7 डे में रिमूव कर देती है। और ये ऑल स्किन टाइप का है। तो बात करते हैं इसे यूज़ कैसे करना है, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, प्राइस और एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा। तो बात करूँ गाइस इसके यूज़ कैसे करना है। सो गाइस, आप फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद अपना टोनर लगाइए, कोई मॉइस्चराइजर लगाइए, उसके बाद इसे अप्लाई कीजिए। बात करते हैं, हमसे पता बता दिया मैंने हाउ टू यूज़, यूज़ कैसे करना है। हमसे बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये एक बॉक्स में आती है, इस कलर का गोल्डन कलर का बॉक्स होता है। पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी थी। और बात करें अंदर, उसके अंदर ये आपको ऐसी बॉक्स ही मिलेगी, 50 ग्राम की होगी आई थिंक। हाँ जी, 50 ग्राम की है, 50 ग्राम की है। तो बात कर लूँ मैं इसकी प्राइस की, तो ये 145 का है। तो ये मैंने पास के अपने कॉस्मेटिक पे दिया था, आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब बात कर ले इसकी ये क्रीम कैसी है, तो इसे खोलेंगे आप तो आपको इसके अंदर एक ऐसी कैप मिलेगी, देख रहे क्रीम ख़त्म होने वाली है, इस तरीके की कैप मिलेगी ताकि आपकी क्रीम प्रोटेक्ट रहे। और ये एकदम लाइट पिंक, एकदम लाइट पिंक होते हैं, एकदम बेबी पिंक कहते हैं, बेबी पिंक में जैसे भी लाइट पिंक पिंक कलर के, ये आपको ऐसा वाइट दिख रही होगी कैमरे की वजह से पिंक कलर की। और क्रीम की बात करें, ये एकदम ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम है। ये आप अप्लाई करते हैं, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये मतलब ईजली स्प्रेड हो जाती है आपकी स्किन पे, वो कोई हार्श नहीं करती आपकी स्किन को। और बात करें इसकी स्मेल की, तो उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, इतनी हार्ड नहीं है कि आपको सर दर्द होने लगे, इतनी हल्की भी नहीं है कि आपको, मतलब इसकी स्मेल की बात करूँ तो मैं, ये बहुत अच्छी है गाइस इसकी स्मेल। अब मैं बात करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की, इसमें क्या है। तो गाइस, वो जो बॉक्स था उसके ऊपर पिक होती है कि इसमें है, तो मैं सॉरी वो तो खो गया है तो मैं बता नहीं सकती आपको। सो बता दूँ इसमें है जेनिसिंग, जिंजर एंड मिल्क। तो ये आपके जो हेल्प करता है, ये आपके एंटी एजिंग साइन होते हैं उसको रिमूव करता है,
और स्किन को नरिश करता है। आप मैं आज जैसे पिक्चर में देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपके रिंकल्स वगैरह होते हैं अगर ये उसको रिमूव करता है गाइस। और बात बता दूँ मैं आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आप 30+ से 35+ से ही तभी यूज़ करें। आप अगर टीनेजर को ज़रूरत नहीं होती, टीनेजर को ज़रूरत नहीं है, तो मेरी एज भी इतनी नहीं है कि मैं इसे यूज़ करूँ। बट ये है, मैंने बताया ना आपको, जैसे कि मेरी दी ने अपने लिए लिया था, ये उनको सूट नहीं करी, तो ये मैंने यूज़ किया, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा था, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका रिज़ल्ट। तो गाइस ये 7 डे में, मतलब ये क्रीम के बॉक्स था, जो बॉक्स था बताया मैंने आपको, उस पर लिखा था ये 7 डेज में अपना रिज़ल्ट दिखाती है। तो गाइस ऐसा नहीं है 7 डेज नहीं, मैं से काफ़ी टाइम से यूज़ करती, हाँ रिज़ल्ट दिखाती है, बट ये आपको धीरे धीरे दिखाएगी। आपके डार्क स्पॉट हैं तो ये धीरे धीरे उसे लाइटन करेगी, लाइट अप करेगी, यानी कि आप इसे यूज़ करो 7 डेज में। ओ माई गॉड, कितनी गोरी हो गई मैं यार, मैं तो जवान हो गया, ऐसा नहीं है। इसे धीरे धीरे कोई भी चीज़, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी अपनी वीडियोज में बताया है कि कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसे मतलब उसे अपना असर दिखाने के लिए टाइम लगता है गाइस। एक दिन में कोई चीज़ आपको गोरा दोगे मतलब ही नहीं है गाइस। मतलब आपकी स्किन डार्क है या कुछ भी, रिंकल्स, मुहासे, एक्ने, कुछ भी कह लो, एक दिन में कोई भी चीज़ अपने रिजल्ट नहीं दिखाती। आप उसका टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे तो ये अपना असर दिखाएगी गाइस। तो मैं बात अब बताऊँ इसके बारे में, अच्छा चलो मैंने बता दी इसके बारे में आपको। तो इसे लगाने के बाद आपको हो सकता है, मैं इसे यूज़ करती हूँ, वैसे मेरे को काफ़ी पसीना आता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी इतना ही पसीना है इसे लगाने के बाद। तो मैं लगाती हूँ इसे यूज़ करने से पहले अपना फेस वॉश करती हूँ, फिर लगाती हूँ टोनर, उसके बाद मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र तो मैं लगाती हूँ, बट कोई वैसा नहीं लगाती, सिर्फ एलोवेरा जेल लगाती हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ऑयली स्किन है। तो आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप एलोवेरा यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपकी स्किन के लिए, क्योंकि जो एक मॉइस्चर जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली होती है, आपकी स्किन को थोड़ा ऑयली होती है, मॉइस्चराइजर का मिस हो और मॉइस्चराइज करती है, इससे अच्छा कि आप एलोवेरा जेल लगाइए, बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, लगाया है मैंने अभी। और उसके बाद ये क्रीम लगाएं, क्रीम लगाने के बाद आप लगाते के साथ आप 10-15 मिनट घर में रहें, क्योंकि पता है ये आपको ना, जब कोई क्रीम या कुछ आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना, अगर वो आपके स्किन पे इजीली स्प्रेड हो जाती है तो आपको हल्के हल्का पसीना सा आएगा, तो ये मेरे नोज़ पे मतलब टी जोन पे पसीना आता है। तो आप 10 से 15 मिनट पहले इसे यूज़ करें और फिर उसके बाद बाहर निकलें आप। और अगर आपके पास सनस्क्रीन है तो बहुत अच्छा है गाइस, इसे लगाने से पहले आप फेस वॉश कर लें, फेस वॉश, सेकेंड है टोनर, थर्ड है मॉइस्चराइज़र, फोर्थ है सनस्क्रीन क्रीम, ये मस्ट आप यूज़ करें अगर आपके पास, अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो ज़रूरत नहीं है अगर आप इसे यूज़ करें। फिफ्थ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे यूज़ कीजिए 1 मंथ, फिर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा गाइस। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस कीप सपोर्टिंग। रात के 12 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ, टाइम नहीं मिलता, डे में मैं ऑफिस आती हूँ, फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, बिल्कुल, और उसके बाद घर का भी काम होता है यार, टाइम नहीं मिलता है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो बिग थैंक्स अप। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।